सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू न्यू डे। एंड मुझे लगा है जिम से आने में, घर से आने में मात्र 16 मिनट, वो भी रूट देखने के बाद लगा। अगर रूट मुझे पता है तो मुश्किल से 13-14 मिनट। मेरी पूरी अभी थोड़ी ख़राब लग रही है, बट इग्नोर करना, अभी जाके नहाना है जिम में ही। एंड का एक घंटा पहले लगता था, अब लगा कितना, वहाँ पे 16 मिनट, वो भी कितना खींच के 13-12 मिनट में ही ना पहुँच जाऊँगा। मेरे को मैप देखने में थोड़ा टाइम लग गया था। कुछ चलते हैं जिम में, हमारी हेलमेट। सो ये मेरी मॉर्निंग की मील है, एंड इसमें काबली चना एंड नॉर्मल चना है। इसमें भी सेकेंड क्लास प्रोटीन मिल जाता है, और इसको मैं 10 बजे के करीब खा रहा हूँ। लोग आए। सो अभी घर पहुँच चुके हैं। अब 2 बजे पहुँच के घर पे खाना भी रेडी हो गया, एंड टाइम का काफ़ी बचत हुआ मेरी बाइक आने से। एंड डाइट में मैंने एक और चीज़ ऐड किया, अब उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ जिम, एंड आज से वर्कआउट स्टार्ट होगी। एंड आज तो मैंने मेरे को बैक करने हैं, क्योंकि बैक की आइसोलेटर मशीन काफ़ी अच्छी अच्छी आई हुई है, मतलब है यहाँ, देख रहे हो। और पता है कितना मिनट में आया, मुश्किल से 12 मिनट। 12 मिनट में मैं घर से जिम आ गया। एंड अभी करेंट बॉडी वेट है मेरे 76, एंड देखते हैं कहाँ तक जाती है वेट। देख लो, वार्म अप करूँगा मैं। काफ़ी मतलब सही फील हो रहा है, मतलब टायर्ड फील नहीं हो रहा है। वर्कआउट भी हो गई, एंड जिम में ट्रेनिंग भी दे दिया, एंड सेल्फ स्टडी भी कुछ हो गई, एंड बाइक को रिवील करना था इसी वीडियो में, तो कोई नहीं, कल मैं बाइक को रिवील करूँगा। एंड बाइक कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, बट कोई ना एक दिन लेंगे बड़ी बाइक, उसको रिवील करेंगे अच्छे तरीके से, बट इसको भी अच्छे तरीके से रिवील करूँगा। एंड और रात का डिनर तो मैं जिम में ही कर लेता हूँ, लंच बना के ले जाता हूँ, रात में ही डिनर कर लेता हूँ। एंड और भी एक बात थी, जैसे कि लोग बोलते हैं बाहर जाए क्या कर रहा है, कुछ करना तो घर पे ही कर लेता, तो उनसे यही बोलना है कि कुछ करना होता तो मैं घर पे ही बैठ के कुछ ना कुछ कर ही लेता, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर पाता, बट मेरे को कुछ ज़्यादा ही करना है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। एंड बाहर में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोग से सर्वाइव नहीं हो पाता है बाहर में, चले जाते हैं वापस, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को करना है तो करना है। एंड थोड़ी मुश्किलात आती है ज़िंदगी में, बट करनी पड़ती है। एंड देख ही रहे होगे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ है मेरी। एंड घर चला जाऊँगा तो मैं कंफर्ट जोन पे चला जाऊँगा, घर पे आराम से ये चील उल मारो, एक लाइफ आएगी 26-27 एज होगी, तब मैं कुछ ना कुछ करूँगा सोचूँगा। अभी है कि मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, 20-21 प्लस हो रही है, एंड अभी उम्र में कुछ कर लूँगा तो आगे आई होप कुछ अच्छा होगा, कुछ आसान ज़िंदगी होगी। मेहनत तो होगा बट स्मार्ट वर्क होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा। जो अभी हार्ड वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एंड ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आसान काम छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो बाइक दिखाने की टाइम आ चुकी है, एंड बाइक है स्प्लेंडर प्रो 16 मॉडल। ये तो लग रहा है तुम लोगों को, बट कोई नहीं, एक दिन अच्छी बाइक लेंगे, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी है,
अब आप लोग बताना कमेंट में आपके लिए कैसी है। देख रहे हो ना, ऐसे लुक भी अच्छी लग रही है। उस सिक्कर पे नहीं जाना, उस पर ठीक है, उस पर जाना मना है। हेलमेट ले तो एंड ब्लॉग में बने रहे हैं। ब्लॉग में बाइक कैसी लगी, बाइक अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू लाइक टू शेयर, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके बाय।